ज्ञानव्यापी परिसर में जो व्यास तहखाना है जो इस तथाकथित मस्जिद के सदर्न साइड पे है, वहाँ पे इस समय की स्थिति यह है कि दरवाज़ा टूट चुका है और कोई वहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, और ऐसी स्थिति है कि अंजुमन इंतज़ामिया उसमें कभी भी कब्ज़ा कर सकती है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ऑर्डर 40 रूल 1 CPC में दरख्वास्त की है कि उस तहखाने का कब्ज़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को सौंपा जाए कि जब तक ये केस फाइनली डिसाइड हो तब तक उसमें कोई अवैध कब्ज़ा ना कर सके। आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये फैसला 18 नवंबर को प्रोनाउंस किया जाएगा। अंजुमन इंतज़ामिया ने इसमें अपनी आपत्ति दाखिल की, उन्होंने कोर्ट में कहा ऑन रिकॉर्ड ऑन एफिडेविट कहा कि उस तहखाने में हम कब्ज़े में हैं, और कोर्ट में कहा कि हमारी कब्ज़ा करने की कोई मंशा नहीं है क्योंकि जब हम वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो पेंसिल और मोबाइल के बिना भी जाते हैं तो हम वहाँ पर कब्ज़ा कर कैसे लेंगे। तो अंजुमन इंतज़ामिया का स्टैंड इस केस में कंट्रडिक्टरी रहा और उनकी पूरी मंशा है कि वहाँ पे व्यास परिवार के तहखाने में कब्ज़ा किया जाए, और इसीलिए वहाँ पे इमीडिएटली हमने ऑर्डर 40 रूल 1 में दरख्वास्त दी है कि इस समय नीड ऑफ द आवर है, स्पर ऑफ द मोमेंट बहुत ज़रूरी है कि इस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को वहाँ पे रिसीवर नियुक्त किया जाए, नहीं तो कभी भी अंजुमन इंतज़ामिया वहाँ पर अवैध कब्ज़ा कर सकती है।